युवा कांग्रेस ने आज राजीव भवन में यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम को लेकर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एकता ठाकुर ने बताया कि यंग इंडिया के बोल एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है जिसे हमने छत्तीसगढ़ में भी लॉन्च किया। हमने ऑनलाइन फार्म भरवाए थे। इस प्रोग्राम के लिए जिन युवाओं का चयन हुआ है उन्हें आज राजीव भवन बुलाया गया है। युवाओं का आज इंटरव्यू लिया जाएगा। ये युवा विभिन्न मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ मुखर होकर आवाज़ उठाएंगे। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने कहा कि यंग इंडिया के बोल के माध्यम से हमने प्रदेश भर में स्क्रीनिंग करके हर जिले में प्रवक्ताओं की खोज की। उसी के माध्यम से 53 बेहतरीन युवा प्रवक्ताओं को आज रायपुर बुलाया गया है। इन 53 युवाओं में से 10 युवाओं का चयन कर प्रदेश स्तर पर प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी जाएगी। यंग इंडिया का बोल एक प्रोग्राम है, नेशनल लेवल से लॉन्च हुआ था, जिसको कि प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी हम लोगों ने लॉन्च किया। ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से पूरे प्रदेश में फॉर्म भरवाए गए और हम लोगों को काफ़ी सारा फॉर्म के माध्यम से नया टैलेंट मिला, जिसका कि जिले वाइज संभाग वाइज इंटरव्यू हुए और उनमें से जो चुनिंदा लोग थे पूरे प्रदेश से, आज उनका प्रादेशिक लेवल पर इंटरव्यू चल रहा है। मोदी सरकार एक तरफ तो बोलती है कि हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उसी के उलट आज नोटबंदी, GST और जो बिना सोचे समझे उन्होंने लॉकडाउन किया, 14 करोड़ से ज़्यादा रोजगार चले गए। तो आज ये सब जो मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनको उठाने का काम ये प्रवक्ता जिले लेवल पे, प्रदेश लेवल पे, संभाग लेवल पे करेंगे। राष्ट्रीय स्तर से श्रीनिवास जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में इस आयोजन को राजीव गांधी जी की जयंती पर लॉन्च किया गया था, यंग इंडिया के बोल। इस आयोजन की सबसे खूबसूरती यही थी, सबसे अच्छी, कि इसमें जो भी लोग चुने गए जिला स्तर पर 10 लोग, वो जिले स्तर के प्रवक्ता हैं, और जो अब उनमें से यहाँ चुने जाएंगे वो लोग प्रदेश स्तर के प्रवक्ता अपॉइंट हो जाएंगे।